हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू की तरफ से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलीज़ की गई हैं जो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखिएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके दिसंबर एग्जामिनेशन रिजल्ट की एक और अपडेट आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड के जो रिजल्ट की अपडेट्स हैं कॉन्टिन्यूस आएंगी आफ्टर 2 डेज, 3 डेज या फिर नेक्स्ट डे भी आपको रिजल्ट की अपडेट देखने को मिल सकती हैं। स्टार्टिंग में बहुत ही कम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट अपडेट किया जाता है, जैसे कि अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बट आफ्टर 9th of January जब आपके एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको जनवरी की हाफ मंथ के बाद देखने को मिलेगा कि बहुत से आपके कोर्स के रिजल्ट अपडेट जल्दी आने लगेंगी। तो आप अपना रिजल्ट जरूर चेक कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से कोर्स कोड का रिजल्ट कब अपडेट कर दिया जाएगा। सो दिस इज दी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, इग्नू ने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो स्केड्यूल किए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी रीजनल सेंटर्स को फॉलो करने होंगे। वो 12th of January से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। सो अगर आपके पास भी इनमें से कोई कोर्स कोड है, अगर आप इन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको जरूर देख लें और अपने रीजनल सेंटर से अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ये जरूरी है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है पटना रीजनल सेंटर की तरफ से। पटना रीजनल सेंटर की तरफ से फ्रेंड्स काउंसलिंग स्केड्यूल रिलीज किए गए हैं जुलाई 2023 सेशन के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं BLIS के बारे में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फरवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा और ये वर्चुअल होने वाला है। लिंक यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर कोर्स टाइटल्स भी आपको बताए गए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर मास्टर्स ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडी का भी बताया गया है, मैथ्स के बारे में भी। उसकी भी ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। जितने भी जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, सो वो भी फरवरी में होगी। बट यहाँ पर गाइडलाइंस को जरूर ध्यान रखिए। जब भी इग्नू की तरफ से आपके लिए कोई काउंसलिंग स्केड्यूल की जाती है फ्रेंड्स, तो कोशिश कीजिए जो उसका टॉपिक है आप उसको एक बार गो थ्रू कर ले, ताकि आपको बिल्कुल नया ना लगे, आपको उसके बारे में कुछ पता हो और जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसे अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ अगर आप जब उसको गो थ्रू करेंगे तो आपके पास अपनी भी कोई क्वेरी हो सकती है पूछने के लिए, तो आप वहां पर काउंसलर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि ID कार्ड जरूर अपने साथ रखना है और 10 मिनट्स बिफोर आपको ये सेशन ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपडेट है मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से। वहां से भी आपके काउंसलिंग स्केड्यूल किए गए हैं MPS प्रोग्राम के लिए और MPA प्रोग्राम के लिए। ये आपके जनवरी में होने वाले हैं, ये भी ऑनलाइन होने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको वही रूल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि देखिए टाइटल ऑफ द सेशंस आपको बताए गए हैं, MPA की हम बात कर रहे हैं। सो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आप यहाँ पर देखिए डिजिटल भी आपको, अगर आपके पास अभी बुक्स नहीं आई है तो डिजिटल भी आपको लिंक दिया गया है ई-ज्ञान कोष का, वहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें MPS की, तो MPS में भी इसी तरह से आपको बताया गया है, तो आप इसको जरूर देख लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम क्लासेस की बात करें तो इग्नू की तरफ से फ्रेंड्स आपको स्वयं प्रभा की फैसिलिटी दी गई है, जो कि DTH TV चैनल्स पर आप लाइव काउंसलिंग स्केड्यूल्स अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए टॉपिक एंड कोर्स टाइटल मेंशन करके दिया गया है एंड फैकल्टी नेम भी बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर हम प्रोग्राम कोड एंड कोर्स कोड की बात करें तो वो भी मेंशन किया गया है, चैनल नेम भी मेंशन किया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। See you soon in the next video.